द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ अकादमी के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी बीरनंदन जी हमेशा विद्यालय के छात्र छात्राओं को यही कहते हैं कि देश की गरिमा और देश में सद्भावना बनाए रखना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। आज पुरातन छात्रों के द्वारा निश्चित रूप से नई पीढ़ी छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। छात्र दीपक भट्ट जिन्होंने 2014 में एशियन स्कूल से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर IIT में ऑल इंडिया रैंक 104 प्राप्त कर दिल्ली IIT में प्रवेश पाया। 4.5 वर्ष तक जापान मर्करी में कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम किया और आज भारत पहुंचे और स्कूल पहुंचकर उन्होंने हमको सम्मानित किया। इसी कड़ी में कैप्टन कपिल सेठी जिन्होंने 2016 में उपरोक्त विद्यालय से इंटर पास कर NDA क्वालिफाई किया और आज वर्तमान में धारचूला कुमाऊं रेजिमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एशियन एकेडमी के द्वारा लगातार कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं और सभी से कहा जा रहा है कि एशियन एकेडमी के नए सत्र में आए, प्रवेश करें, शिक्षा के लिए आए और सेवार्थ के लिए जाएं और स्कूल का नाम रोशन करें। पुरातन छात्रों को आज महामंडलेश्वर स्वामी बीरनंदन महाराज ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, साथ ही उन विद्यालय के बच्चों को भी सीख लेने की नसीहत दी। मैं पिथौरागढ़ का पहला आदमी हूँ जिसने राम जी के दर्शन अयोध्या में की। पूरे उत्तराखंड में 18 लोगों को VIP कार्ड बना था, उसमें से एक आपके गुरु जी को भी मिला था, ये आप ही की वजह से। अरे कितने लोग आपको जानते हो बताइए। आप हमारे फाउंडर स्टूडेंट हैं ऑफ दिस स्कूल और 2014 बैच के आप इंटरमीडिएट के छात्र रहे जिनका नाम नीचे लिखा हुआ है दीपक भट्ट। दीपक भट्ट जी ने IIT दिल्ली से किया है 102 में जो भी रही होगी, अब बताओ। और मुझे राम जी याद है जब इंटर, जैसे आजकल आप तैयारी कर रहे हो ना, उनके पास में सुबह 4 बजे जाता था, जगे रहते, सुबह 3 बजे भी जाओ तो जगे रहते, रात के 12 बजे जाओ केटल में गरम चाय रहती थी, वो भी ब्लैक थी क्यों, और इनसे को मैं सुबह जाओ कहता था तो कहते थे बस बस अभी सोना सा, मुझे ठगते थे ताकि मैं वहाँ से चला जाऊँ और फिर पढ़ रहे होते थे। तो आज जापान की सब कौन सा बताओ, मैं कह रही कंपनी में CEO, उसके बाद कितने साल है आप जापान में? मैं 4.5 साल। 4.5 साल कैसा लगा आपको वहाँ? अब फिर इंडिया आ गए, अब आप बेंगलोर में, अभी भी कोई कहेगा इनको ये हिंदुस्तान का सबसे टॉप मोस्ट आदमी है जिसमें से सबसे ज्यादा सैलरी नहीं की है, उसके बाद सिंपल लिविंग पता नहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा, लेकिन अभी भी आप उससे डर लगती अब डर पड़ती। आप भी बहुत डरते थे, आप भी बहुत डरते थे, लेकिन आप लोग नहीं डरते, डरना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मुंजारी तहसील में निर्माणाधीन बुईपातो सड़क में सोमवार की सुबह बोल्डर आ गिरा। सड़क पर नेपाली मजदूर बीरेंद्र सिंह धामी बोल्डर की चपेट में आ गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि उक्त व्यक्ति को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशारी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद वीरेंद्र की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। चिकित्सक ने बताया कि मजदूर के सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं। मजदूर नेपाल का रहने वाला है और सड़क में कार्य कर रहा था। कोतवाली टीडीआर व बीरनाग पुलिस ने स्थानीय बाजार में आम जनमानस / टैक्सी चालकों के साथ मीटिंग कर विभिन्न विषयों पर दी महत्वपूर्ण जानकारी। बता दें कि थाना प्रभारी कोतवाली टीडीआर श्री विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा टीडीआर के स्थानीय बाजार में तथा थाना बीरनाग से उप निरीक्षक चंदन सिंह, उप निरीक्षक कस्तन टमटा द्वारा कस्बा राय। जिले के बृहद स्तर पर हुई मतदाताओं की शपथ। जिले के दुरुस्त स्थित कनार में तहसीलदार के नेतृत्व में तहसील कर्मियों के द्वारा ग्रामीणों को मतदान के महत्व बताते हुए प्रत्येक मतदाता के वोट महत्व समझाया और प्रेरित किया कि वो मतदान के दिन बूथ में जाकर अवश्य मतदान करें। इसी कार्यक्रम में डीडीआर
किरौली, जीआईजी थल, पामशारी, लोहारगंज, लेकदारा, हचीला एंड शिक्षण अधिकारी कार्य रिडियाड इत्यादि यानी पूरे जिले में मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर पर चल रहा है। दसवें दिन सोबला में पुल के निर्माण के लिए लगातार क्रमिक अनशन जारी रहा। दसवें दिन रहा मार्चा के नाम। मार्चा के युवाओं ने दसवें दिन संभाली क्रमिक अनशन की कमान। धर्मा घाटी के लोग 10 दिनों से क्रमिक अनशन में बैठे हैं और अभी तक कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा है कि मल्ली बाजार व एलधारा में जो सुस्त गति से कार्य चल रहा है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। जैसे ही सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद अन्य कार्य निपटेंगे, हम एलधारा और मल्ली बाजार के लिए बृहत आंदोलन संयुक्त रूप से धारचूला में चलाएंगे, जिसकी अगुवाई व्यापार संघ धारचूला करेगा, क्योंकि पूर्व में भी कई मल्ली बाजार के व्यापारी प्रभावित है और आज भी प्रभावित है। बर्फबारी का भयंकर दृश्य आपको बद्रीनाथ से दिखाया जा रहा है। बद्रीनाथ में किस तरह से बर्फ पड़ रही है, सौजन्य से ये वीआईपी टीवी है। और अभी देखिए लगातार मौसम का जो अलर्ट जारी हुआ था उस अलर्ट के तहत गढ़वाल के चमोली, उत्तरकाशी व बद्रीनाथ में काफी मात्रा में बर्फ पड़ रही है। भयंकर दृश्य दिख रहा है, परंतु स्थानीय लोगों की मुश्किलें इस बर्फ से बढ़ रही हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.